हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स चित्रांत में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। जैसा कि बहुत टाइम से लॉकडाउन था, करीबन 1.5 महीने हो गए लॉकडाउन में, तो वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, तो आज मैं फिर से एक दुर्ग में ही सेकंड हैंड बाइक स्कूटी का वीडियो शूट करने आया हूँ, जो आपको मालवी चौक में पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने साइड में मिलेगा। वाहन करके है शॉप का नाम, तो आपको पूरा कम से कम बजट में यहाँ गाड़ी मिलेगी, और कितना चला हुआ है, प्राइस क्या है, फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं, सभी यहाँ भाई से पूछेंगे डिटेल्स, और तो पूरा जानकारी लेते हैं। और साथ ही आप अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको बाइक लेना होगा तो मेरा नंबर स्क्रीन में शो होगा, उसमें आप कॉल कीजिए, मैं आपको खुद यहाँ का बाइक दिखा दूंगा, जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है आने में। तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत लोग वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ के भैया से बात करते हैं, अजय भाई से। बस हो गया, यहाँ गाड़ियों का जैसे कब कब आता है, न्यू में, सेकंड हैंड में, न्यू में कब कब तक मतलब चेंज होते रहता है, यहाँ स्टॉक आते रहता है वो कम से कम 2-4 दिन में स्टॉक, मतलब जैसे गाड़ी बिकती है वैसे ही स्टॉक यहाँ आते जाते रहता है। और यहाँ प्राइस ज्यादा तो होता नहीं है ना? नहीं नहीं, और यहाँ इंश्योरेंस की सब मिलता है ना, फाइनेंस की सुविधा है, सब है ना, फाइनेंस की भी सुविधा है। अच्छा, बाकी ज्यादा देना नहीं पड़ता है? नहीं। अच्छा, ऐसा है ना। तो अभी कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास? अपने पास सभी गाड़ी है, पल्सर है, एक्टिवा है, हीरो होंडा में वगैरह वगैरह सब है। अच्छा, तो स्टार्टिंग करते हैं डीलक्स। ये डीलक्स है, कौन सी मॉडल है ये? ये 12 मॉडल है। 12 की मॉडल है। इसका रनिंग कितना हुआ होगा? इसका रनिंग हुआ होगा कम से कम 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास, ज्यादा नहीं हुई है? नहीं है ना। ये सेल्फ स्टार्ट है कि नॉर्मल कीक है ना? कीक है। इसका प्राइस क्या रखे? इसका रखेगा 27,000। 27,000 प्राइस है इसका। और ये पासिंग CG17 कहाँ की है? ये मेरे को ही पता नहीं। अच्छा, CG17 है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में भी मैं दिखा दूंगा कहाँ का पार्किंग। बाकी कंडीशन देखें तो वेल मेंटेन है। बाकी कुछ खर्चे इस गाड़ी में? कुछ खर्चे नहीं, एक नंबर गाड़ी। बाकी कुछ भी काम होगा तो करा के देंगे? हाँ, पूरा करके। अच्छा, करा के देंगे ना, सर्विस वगैरह तब हुआ रहता है। इसमें अभी इंश्योरेंस है कि? अभी इसमें तो इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस नहीं है, जैसे सामने वाला कस्टमर बोलेगा तो करा के दे सकते हैं। करा के दे। और नाम ट्रांसफर वगैरह हमें अलग से लगता है? लगता है, अलग से लगता है ना। अच्छा, इसके बाद देखते हैं 220 पल्सर का। ये कौन सी मॉडल है? ये 12 मॉडल है, 2012 की मॉडल है। इसका रनिंग कितना हुआ होगा? इसका रनिंग जो 25-30 के आसपास। 25-30 के। इसका पासिंग बोले तो CG04 रायपुर की पासिंग है। प्राइस क्या रखे? इसका रखे अपन 40,000। 40,000 प्राइस है। हाँ। आने के बाद कुछ नेगोशिएबल हो जाता है, कम ज्यादा हो जाएगा? हो जाएगा ना। हाँ, कंडीशंस बाकी कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, आने पर कुछ भी रहेगा तो करेंगे ना? हाँ, वो करके देंगे, करके दोगे। और कुछ काम है गाड़ी में? गाड़ी में भी तो कुछ काम नहीं है, बट जो भी काम रहता अपन करके देते, करके देते हैं ना। कंडीशंस देखें तो अच्छी है। इसके बाद एक और पल्सर है, वो भी दिखाएंगे, पहले इसका कंडीशंस देखते हैं। डीलक्स बोले तो डीलक्स भी अच्छी कंडीशंस में है, 220 भी अच्छी कंडीशंस में है। लॉकडाउन के बाद थोड़ा प्राइस में अरग फरक हुआ है कि प्राइस वही है? थोड़ा वही है, थोड़ा वही है ना, ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ है प्राइस में। तो इसके बाद देखते हैं पल्सर 150 है कि 180 है? 150 है। ये कौन सी मॉडल है? 18 मॉडल है। 18 मॉडल, ऊंची मॉडल में है। हाँ। इसका पासिंग कहाँ का है? ये है, इसका पासिंग देखे CG12 है। 12। ये शायद आपको गूगल से आपको स्क्रीन में भी शो कराऊंगा। और साथ ही इसका प्राइस किस तरह के? 68 के आसपास है। 68 के। और न्यू में इसका प्राइस क्या होगा? ये कम से कम 90 के आसपास होगा। 90 के आसपास है। आने के बाद भी इसमें कम ज्यादा हो जाएगा? हो जाएगा। इसमें तो कुछ काम नहीं होगा, इंश्योरेंस होगा इसमें? हाँ, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है ना अभी। अच्छा, और जैसे फाइनेंस कराएंगे तो स्टार्टिंग में कितना देना पड़ता है? कम से कम आधा परसेंट। अच्छा, आधा देना पड़ता है, और कुछ महीनों में किस्त बन दी है ना। इसका कंडीशंस देखते हैं पहले। इसका रनिंग कितना हुआ होगा? रनिंग है 10,000। 10,000 ओनली। इसका कंडीशंस देखते हैं, अच्छी कंडीशंस में है। यहाँ आपको 4-5 एक्टिवा भी दिखाने वाला हूँ, अच्छी अच्छी कंडीशंस में है। तो चलो नेक्स्ट एक्टिवा देखते हैं भाई। ये एक्टिवा कौन सी मॉडल है? 18 मॉडल, 2018 की मॉडल है। ये 3G है कि 5G है? 5G है। अच्छा, और ये पासिंग तो रायपुर है, कितना रनिंग हुआ इसका? इसका रनिंग हुआ है समथिंग 10,000। इंश्योरेंस है इसमें? वैलिड है। अच्छा, वैलिड है। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 50,000। 50,000 है। कुछ खर्चा है गाड़ी में? गाड़ी में कुछ खर्चा नहीं। कुछ खर्चा नहीं।
वेल मेंटेन है, पूरा कंडीशन ओके है। हम ऐसे देखे तो कंडीशन टायर भी नए लग रहे हैं, कलर भी अच्छा है, कलर भी अच्छी कंडीशन। और इसमें आपको और भी जैसे कि 3G है, 5G है एक्टिवा में, मैस्ट्रो भी दिखाने वाला हूँ, तो पूरा एंड तक देखना वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको सेकेंड हैंड गाड़ियों का वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू देखने को मिलेगा। भाई ये मैस्ट्रो कौन सी मॉडल है? ये है 19 मॉडल, 2019 की मॉडल है। पासिंग तो रायपुर हो गया है, इसका रनिंग कितना हुआ? इसका रनिंग है 5,000 आसपास। 5,000 ओनली? और इसका इंश्योरेंस कब तक है? 5 साल वाली, 5 साल वाली इंश्योरेंस है। अच्छा, प्राइस क्या रखे इसका? इसका रखे अपन 53। आने के बाद भी कम ज्यादा होगा इसमें? हो जाएगा ना। बाकी कंडीशन सही शॉर्ट है, पूरा ओके, एक नंबर। इसमें कुछ काम नहीं हो? कुछ काम नहीं है। इसका भी कंडीशन देखते हैं, थोड़ा कंडीशन देख लेते हैं। ये देखिए कंडीशन बोले तो अच्छी कंडीशन में है, रेड कलर में है। कितना चला है बोले भी इसको? 5,000 के आसपास। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्टिवा। ये 5,000 बस चलिए बोले ना। हाँ। इसके बाद ये है एक्टिवा, ये कौन सी है? 5G ये भी? यही 5G है। ये कौन सी मॉडल है? ये 19 मॉडल है, 2019 का मॉडल है। इसे इंश्योरेंस होगा? वैलिड है। कब तक है इंश्योरेंस? 5 साल वाला। अच्छा, इसका पासिंग है CG24। हाँ। और इसका प्राइस क्या रखे? इसका प्राइस रखे अपन 56 है। 56 है। रनिंग कितना हुआ होगा? ये रनिंग है 10,000। जैसे कि कुछ पासिंग में गड़बड़ लग रही है तो मैं आपको स्क्रीन में गूगल के थ्रू वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा पासिंग का। और इसका बाकी कंडीशन पूरा ओके है? पूरा ओके है। अच्छा, सभी गाड़ी में फाइनेंस हो गया? जैसे पुरानी मॉडल भी है तो? जैसे जो 50,000 के जो ऊपर है, 50,000 के आसपास वो फाइनेंस हो जाएगा, फाइनेंस हो जाता है, नीचे वो नहीं होता है। वो नहीं होता है। अच्छा, तो गाड़ी का कंडीशन तो ठीक है, कुछ टचअप वचअप तो नहीं हुए रहता ना? कुछ टचअप नहीं हो रहा। इसका भी कंडीशन देख लेते हैं। बस 4-5 गाड़ियां दिखाई अभी, और है 4-5 गाड़ी, वो भी पूरा देखना एंड तक। खासकर लड़कियों के लिए जो एक्टिवा लेना पसंद करते हैं, एक्टिवा का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो पूरा एंड तक देखना। भी 3-4 एक्टिवा और दिखाने वाला हूँ मैं। तो चलो इसके बाद एक पैशन देखते हैं पुरानी मॉडल में। भाई ये पैशन कौन सी मॉडल है? पैशन नहीं है, 2006 मॉडल है। 2006 की मॉडल है। अच्छा, रनिंग कितना है? तो बहुत हो गया होगा, बहुत हो गया होगा। अच्छा, रनिंग में जाए तो अभी बहुत हो चुका होगा। रनिंग चलने में ठीक है अभी? कुछ काम वाम चलने में ठीक है? इसमें शायद थोड़ा काम हो सकता है क्योंकि पुरानी की मॉडल है। बाकी एवरेज की बात करें तो एवरेज में सबका बाप बोल सकते हैं ना। और इसका प्राइस क्या रखे? इसका प्राइस रखे अपन 15,000। 15,000 प्राइस है। इसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है आने के बाद? हो जाएगा। 15,000 ना। और क्या बोलते हैं, पासिंग कहाँ का है ये? ये रायपुर की पासिंग है। बाकी कंडीशंस भी थोड़ा दिखा देते हैं आपको। आइए कंडीशंस देखे तो देख लेते हैं। थोड़ा बहुत काम कराना पड़ सकता है, जैसे कम बजट में चाहिए रहता है किसी को, किसी के पास पैसे की कमी होती है तो ये ले सकते हैं। और एवरेज में जिसको लंबा जाना है तो ये अच्छी गाड़ी है। इसके बाद 4-5 एक्टिवा और है, उसको दिखाते हैं। चलिए भाई, ये एक्टिवा 5G है कि 4G है? ये 5G है। 5G है। कौन सी मॉडल है ये? ये 19 मॉडल। 2019 में भी इंश्योरेंस होगा? हाँ, इंश्योरेंस है ना। और ये पासिंग कहाँ की है? ये रायपुर की पासिंग है। कितना प्राइस रखे इसका? रखे 52-53 के आसपास। 52-53 के आसपास। इसका रनिंग कितना हुआ होगा? इसका रनिंग है वही 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास, ज़्यादा रनिंग नहीं हुआ है। ये डायरेक्ट कस्टमर्स की गाड़ी रहती है क्या यहाँ? हाँ, अच्छा है ना, कस्टमर किसी का खिंचाई हुई गाड़ी। अच्छा, किसी का फाइनेंस खिंचाई हुई है तो गाड़ी तो अच्छी ही मिलेगी, जैसे बैंक से खिंचाई हुई गाड़ी रहती है तो। तो इसके बाद एक और एक्टिवा है ब्लैक कलर में, वो 5G है। ये कौन सी मॉडल है? वो भी 19 मॉडल 19 का मॉडल। उसमें भी इंश्योरेंस मिल जाएगा? वैलिड। जैसे कि कुछ गाड़ियां एक्टिवा दिखा रहे हैं उसमें सभी में इंश्योरेंस है तो ये फायदा ही है। और थोड़ा कंडीशंस दिखा देते हैं साथ ही, दोनों ब्लैक व्हाइट दोनों एक्टिवा का। उसका रनिंग कितना हुआ होगा ब्लैक एक्टिवा? उसका रनिंग है 9 के आसपास है। 9 के आसपास के आसपास। अच्छा, ज़्यादा नहीं हुआ है उसका है ना। और ये पासिंग कहाँ की है? ये रायपुर की पासिंग है। इसका प्राइस क्या रखे? इसका रखे अपन 57। 57 ब्लैक कलर। जैसे कलर का भी एक डिमांड रहता है क्या? हाँ, कलर प्राइस में अलग अलग। इसके बाद है ब्राउन जैसे एक और कलर का है एक्टिवा है, और उसके बाद एक और ब्लैक एक्टिवा है। तो दोनों देखते हैं। चलिए ये भी है क्या भाई? ये भी है। ये भी है ना। तो चलो पहले दो देख लेते हैं, उसके बाद एक और लास्ट में एक और एक्टिवा वो भी दिखाएंगे। भाई ये वाली एक्टिवा कौन सी है? ये अपनी 2013 मॉडल है। 13 मॉडल है। 3G है?
HET है। अच्छा HET है, इसका मॉडल 13 बोले और रनिंग कितना हुआ होगा? रनिंग इसका है 27,000। 27,000 प्राइस क्या रखें इसका? रखे अपन 25-26 के आसपास। 25-26 के आसपास। पासिंग कहाँ का होगा ये? यही रायपुरी का। इसमें इंश्योरेंस वगैरह है कि? इसमें इंश्योरेंस नहीं है। इसमें इंश्योरेंस नहीं है। बाकी कुछ काम वगैरह गाड़ी में? कुछ काम नहीं गाड़ी में, तो सर्विसिंग अगर सब ओके हो ओके है ना? तो कंडीशंस अच्छी है बोल रहे हैं। देखे कंडीशंस एक बार देख सकते हैं कैसा है कंडीशंस, देखिए। प्राइस में जाए तो कमी है यहाँ, प्राइस ज़्यादा नहीं है यहाँ। लोकल दुर्ग भिला रायपुर जैसे गांव वाले को लेना रहता है तो यहाँ से ले सकते हैं। और आपको एड्रेस मैंने बताया, पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने जी रोड दुर्ग, आपको उसी रोड में मिलेगा। जस्ट है इधर आगे में ही एक हीरो का शोरूम है। इसके बाद ये वाली एक्टिवा देखते हैं, इसको ब्लैक कलर ही बोलते हैं कि कुछ और है? अच्छा अच्छा, ये एक्टिवा क्या है पूरा? ये भी HET है। HET है। इसका मॉडल कौन सा है? ये मॉडल है 14 का। अच्छा 14 का मॉडल है। और इसका प्राइस क्या रखे? इसका रखे अपन 27,000। 27,000 प्राइस। आने के बाद भी नेगोशिएट है इसमें? हो जाएगा ना। रनिंग कितना हुआ होगा ये? क्या रनिंग है भाई? 26। अच्छा 26,000 रनिंग हो चुका है। पासिंग कहाँ का है ये? अपना राजनांदगांव 08 है ना। बाकी कंडीशन अच्छी, कुछ काम नहीं गाड़ी में? गाड़ी में कुछ काम नहीं, बाकी जैसे थोड़ा बहुत कुछ भी होगा तो आपको यहाँ से करा के दिया जाएगा। इसके बाद एक और एक्टिवा वो देखेंगे, जैसे कि सभी एक्टिवा देख लिया हमने, कंडीशंस अच्छी है, तो चलो एक और एक्टिवा वो देखते हैं भाई। ये वाली एक्टिवा कौन सी? ये 19 मॉडल है, 2019 का मॉडल है। ये भी HET है ना? ये 5G है। 5G है क्या? ऐसा है क्या? अच्छा 5G लिखा है। 5G एक्टिवा है। और ये पासिंग कहाँ का है? ये भी रायपुर का है। रायपुर पासिंग है। इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस है वही 49 के आसपास। अच्छा 49 के आसपास। मॉडल क्या बताया? ये 18-19 के आसपास होगा। 18-19 मॉडल है। थोड़ा इसमें डाउट होगा तो कॉल कर लेना। और इसका पासिंग आप बताएं कहाँ का है? ये रायपुर का है। रायपुर पासिंग है। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। रनिंग करीबन 15,000 दिखा रहे हैं इनमें। मीटर में छेड़छाड़ तो नहीं होता ना? नहीं, नहीं नहीं होता ना। तो लगभग हमने सभी गाड़ियां देख ली। और कुछ कहना चाहेंगे आप सब्सक्राइबर्स को हमारे? नहीं नहीं, बाकी गाड़ियां तो एकदम अच्छी मिलती है, कम रेट में गाड़ियां नॉर्मल रेट में मिलती है। फाइनेंस की भी सुविधा है, लेना होगा तो। और किसी को जैसे कि बेचना है अपनी गाड़ी को तो यहाँ लेते हैं जी, हो जाएगा। अच्छा किसी को एक्सचेंज भी होता है क्या? एक्सचेंज का भी ऑफर है तो बहुत बेनिफिट है। और साथ ही आपको मेरा नंबर स्क्रीन में मिलेगा, मेरा नंबर है 9340091243। तो स्क्रीन में आप मुझे कॉल कीजिए और मैं आपको यहाँ का गाड़ी भी दिखा दूंगा और आपको साथ ही यहाँ का भी नंबर मिल जाएगा स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ID नंबर है 1234। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, तब तक के लिए बाय।